प्राणेश्वर अक्षरातीत ने श्री महामती जी के धाम हृदय से इस श्रृंगार ग्रंथ में अपने नख से सिख तक का वर्णन जो किया है हमारी आत्मा को जागृत करने के लिए। यह प्रकरण है हक मासुक के नेत्रंग। प्राणेश्वर अक्षरातीत के नेत्र कैसे हैं? यदि हम नेत्रों की शोभा को बसा लें तो निश्चित है कि हमारे अंदर प्रेम का सागर ही उमड़ेगा। तभी तो इसकी पहली चपाई में कहा है, देखो नैना नूर जवाल जो रूहों पर संकुल, अरवा होए ज्वर्ष की सो जिन जाओ खिन भूल। परमधाम की प्रत्येक आत्मा का लक्ष्य होना चाहिए कि हम प्राणेश्वर के नेत्रों की शोभा को देखें। और ये नेत्र कैसे हैं? नूर भरे नैना निर्मल, प्रेम भरे कारे, प्रेम भरे प्यारे, रस उपजावत रंग सो मानो अति कामन कारे। प्राणेश्वर के नेत्र नूर से भरपूर है। नूर क्या है? तेजस्विता है, ओजस्विता है, प्रेम है, आनंद है, शांति है, सब कुछ जो परब्रह्म का स्वरूप है वही नूर है। और उस ब्राह्मी स्वरूप को लिए हुए वे नेत्र अत्यंत स्वच्छ हैं। उनके अंदर प्रेम ही प्रेम झलक रहा है। जब उनकी तरफ दृष्टि जाती है तो ये आत्मा के हृदय में प्रेम का अलौकिक रस प्रवाहित करती है। तारतम की वाणी इस मायावी जगत में हमें आई है यहीं बैठे बैठे परम धाम के सुखों का स्वाद देने के लिए। जब हम तारतम वाणी की चौपाइयों को आत्मसात करते हैं तो ऐसा लगता है कि हम यहाँ नहीं बैठे हैं, साक्षात परम धाम में बैठे हैं। जब खैचत भर कसीस तब मुतलक डारत मार। इस चौपाई में बहुत कुछ आत्मा के अखंड सुख का वर्णन किया गया है। खैचत भर कसीस का आशय क्या है? हम इस ऊपर के चरण से तो ये कह सकते हैं कि ये परम धाम का प्रसंग है, किंतु ऐसा नहीं है। परम धाम में तो होता ही है। जब खैचत भर कसीस तब मुतलक डारत मार, इनवित भेदत सब अंगों मूलतन मिटत विकार। इस उपाय का चौथा चरण बहुत कुछ कह रहा है हमारी आत्मा से। मूलतन मिटत विकार का आशय क्या है? आप देखिए, विकार किसको कहते हैं? अपनी शुद्ध अवस्था से अलग हटकर कोई अन्य विकृति आ जाए तो उसको विकार कहते हैं। परात्म कथन क्या है? स्वयं अक्षरातीत कथन है। धनी ने स्वयं कहा है, तुम रुए मेरे तन हो, तुम सो इश्क जो मेरे दिल। हम रुए बकामिने सुसब रू अल्लाह के तन। चाहे श्यामा जी का स्वरूप हो, चाहे राज जी का स्वरूप हो, चाहे सखियों का स्वरूप हो, सभी एक स्वरूप है, एक अनादि स्वरूप है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि किसी से किसी की रचना हुई है। यदि अक्षरातीत अनादि है तो उसकी लीला भी अनादि है, उसकी हकीकत और मार्फत का स्वरूप भी अनादि है। जब जल है तो बर्फ है, बर्फ है तो जल है, दोनों को एक दूसरे से आगे पीछे नहीं किया जा सकता। लीला रूप में ये जरूर प्रकट होता है कि अब ये जल घनीभूत रूप है या द्रवीभूत रूप है। जब जल बहने लगता है तो हम कहते हैं कि जल है, जम जाता है तो कहते हैं कि ये बर्फ है। बस यही बात यहां भी हमें समझनी होगी कि काल माया के इस ब्रह्मांड में तो कोई पदार्थ बनता है पुनः नष्ट होता है, परम धाम में न कोई बना है न कभी नष्ट होगा। वहां न उत्पत्ति हुए न विनाश है। इसलिए जब से राजी हैं तभी से श्यामा जी हैं, तभी से सखियां हैं, तभी से परम धाम के 25 पक्ष हैं और तभी से खूब खुशहालियां हैं। जिस तरह से द्रव्य के साथ गुण जुड़ा रहता है और गुण के साथ द्रव्य जुड़ा रहता है, मिश्री है
तो मिठास है और मिठास है तो मिश्री है, दोनों को पृथक नहीं किया जा सकता। उसी तरह से जब से अक्षरातीत है तब से उनकी लीला है। लीला के लिए हकीकत का स्वरूप होना आवश्यक है, क्योंकि मार्फत में जब स्वयं एक ही रहेगा तो लीला कैसे होगी। इसी कारण जो मूल तन है परात्म के, वो स्वयं श्री राज्य के तन है। सखियों के मूल तन राज्य के तन है, श्यामा जी का मूल तन राज्य के तन है, खूब खुशहालियां 25 पक्ष सब कुछ राज्य के ही स्वरूप है। अब प्रश्न ये होता है कि उसमें विकार कैसे आ गया। मूल तन मिटत विकार, अनहोनी के रूप में यह घटना घटित हो गई जब परमधाम की आत्माओं ने इस माया का खेल देखने की इच्छा की और उनकी सुरता इस नश्वर जगत में जीव के ऊपर विराजमान होकर खेल को देख रही है। माया के इस संसार में किसी जीव के द्वारा सुख की लीला हो रही है, कोई जीव दुखी है। आत्मा जीव के ऊपर बैठकर सुख और दुख की लीला को काम क्रोध मद लोभ अहंकार तृष्णा के इन विकार जनित शरीरों की क्रिया को देख रही है। और आत्मा जो कुछ देख रही है परात्म उसको अनुभव मिला रही है। जैसे आप किसी टीवी के पर्दे पर या पिक्चर हॉल में पर्दे पर कोई दृश्य देख रहे हैं, कोई कारुणिक दृश्य है तो आपकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, कोई हंसने वाला दृश्य है तो आप हंसने लगते हैं, आप अपनी सामान्य अवस्था से अलग हो जाते हैं। हंसना और रोना या व्यथित होना ये एक प्रकार के विकार माना जाएगा, क्योंकि वो आपकी सामान्य अवस्था नहीं है, आपके ऊपर स्वयं घटित नहीं हो रहा है। पिक्चर के दृश्य में किसी ने किसी को चाकू मारा और वह तड़प रहा है तो आप उसकी आंसुओं को देखकर आप स्वयं रोने लगते हैं, चाकू आपको नहीं मारा गया, मारा गया किसी और को, दृश्य को आप देख रहे हैं, उसके चेहरे के भाव को देखकर आपके अंदर भी करुणा जागृत हो पाती है। ऐसा लगता है कि वो चाकू उसको नहीं मारा गया है, आपको ही मारा गया है। यही क्योंकि आपको बाद में एहसास होता है कि चाकू तो उसको लगा था, मुझे नहीं लगा था, लेकिन मैं उसके भाव में भावित हो गया था। यही स्थिति इस संसार में आत्माओं के साथ हो रही है। आत्मा जीव के ऊपर बैठकर जीव भाव को प्राप्त हो गई है। जब जीव को कष्ट होता है तो आत्मा को लगता है कि कष्ट मुझे हो रहा है, जबकि कष्ट उसको नहीं होता। सच तो यह है जीव पंचभूतात्मक शरीर लेकर शरीर भाव को प्राप्त हो गया है। जीव ने स्वयं को भुला दिया कि मेरा स्वरूप क्या है। सचमुच देखा जाए तो जीव इंद्रिया नहीं है, अंतःकरण नहीं है, शरीर नहीं है। शरीर तो बना है और शरीर भी नष्ट हो जाएगा, मरता शरीर है, पैदा होता है शरीर ना, तो अंतःकरण पैदा होता है। अंतःकरण सृष्टि के प्रारंभ में केवल एक बार पैदा होता है और उसके साथ इंद्रियां जुड़ जाती है। 24 तत्वों का सूक्ष्म शरीर जीव के साथ संयुक्त होता है शुद्ध चैतन्य के साथ, तो उसको जीव संज्ञा से अभिभूत किया जाता है। इंद्रियों और अंतःकरण के माध्यम से जीव प्रकृति के शब्द स्पर्श रूप रस का अनुभव करता है और इनकी प्राप्ति की चेष्टा में वो कभी सुखी होता है तो कभी दुखी होता है, और इस प्रक्रिया में वो काम क्रोध मद लोभ अहंकार से ग्रसित हो जाता है। षड विकारों से वो ग्रसित होकर के सुख और दुख की अनुभूति करता रहता है। आत्मा जीव पर बैठकर जब जीव भाव को प्राप्त हो जाती है तो जीव के सुख को अपना सुख मानने लगती है, जीव के दुख को अपना दुख मानने लगती है। वैसे ही जैसे जीव इंद्रियों और अंतःकरण के माध्यम से शरीर के सुख दुख को अपना मानने लगता है, जीव को अपने शुद्ध चैतन्य का बोध नहीं होता। जब शरीर छूटने के समय आता है तो जीव को घबराहट होती है, क्या मैं मर जाऊंगा। उसको पता नहीं है कि तू लाखों बार जन्मा है, करोड़ों बार जन्मा है, तू तो मरा ही नहीं, न कभी जन्मा।
तेरे शरीर ने जन्म लिया, तेरे शरीर मरते गए, किंतु शरीर भाव छूटता नहीं, क्योंकि उसकी अंतर्दृष्टि बाहर के जगत में भ्रमण कर रही होती है। पर आत्म की दृष्टि भी परम धाम से हट चुकी है, वह स्वयं को आत्मा के रूप में मान चुकी है, और आत्मा माया की फरमोशी में नींद पर नींद में बैठे हुए जीव के ऊपर बैठकर जीव भाव को प्राप्त हो गई है। तारतम बाणी ने इस रहस्य से पर्दा उठाया। आज तक इस सृष्टि में जीव तत्व का ज्ञान था, सबने यही माना था कि मैं कौन हूं। शुद्ध अस्मि, बुद्ध अस्मि, संसार माया परिवर्जित अस्मि की बात कही जाती रही है। मदालसा ने अपने बच्चों को लोरी सुनाते समय यह बात रटा दी थी। और जो वेदांत का अध्ययन करते हैं, वेद के मंत्रों में विचरण करते हैं, वे इस सत्य को जानते हैं कि वाई अनलम अमृतम अथितम शरीरम भस्मांतम। शरीर नश्वर है, परमात्मा ही केवल अखंड है, आत्मा ही अखंड है, वही अमृत है। किंतु जब विषयों के साथ इंद्रियों का संयोग होता है तो इंद्रियों का राजा मन सुख का अनुभव करता है और उस सुख को दृष्टा भाव से जीव देखता रहता है। यह कह सकते हैं कि इंद्रियों अंतःकरण के माध्यम से जीव सुख और दुख का भोग करता है, यह भी सही है। किंतु जब ज्ञान दृष्टि से वो अपने स्वरूप को जान जाएगा तो दृष्टा मात्र होकर देखेगा। आत्मा जो जीव पर बैठकर जीव भाव को प्राप्त हो गई है, वो जीव के सुख दुख को अपना सुख दुख मानने लगती है। और परिणाम यह होता है कि जब जीव दुखी होता है तो पर आत्म के तन पर भी दुख के भाव छा जाते हैं। जब जीव सुखी होता है तो पर आत्म के तन पर ऐसा लगता है उसके सुखी होने का अनुभव आत्मा करती है और वह अनुभव पर आत्म तक पहुंचता है। जैसे सदगुरु धनी देवचंद जी ने महाराज से कहा था कि महाराज, शकुंडल और सकुमार के मूल तन परम धाम में हंस रहे, इसका आशय क्या है? इन्होंने स्वयं को राजघराने में पाया है, महल है, सेना है, इनको संसार के दुखों का अनुभव ही नहीं है कि कल भोजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अपने वैभव में, ऐश्वर्य में ये इतने शकुंडल और सकुमार की आत्मा इतनी डूब गई है कि इनके पर आत्म के चेहरे पर मुस्कुराहट है, ये हंस रही है माया का खेल देख करके। दूसरी तरफ ऐसे भी सुंदर साथ थे, परम धाम की आत्मा ऐसी भी थी, धाराभाई जैसे गरीब जिनको कुछ भी संसार के सुख का विशेष अनुभव नहीं था, उनको समाज से बहिष्कृत भी कर दिया गया था बिहारी जी की कृपा से। एक आत्मा जीव भाव पर को प्राप्त होकर संसार के दुख को अपना दुख मान रही है, और दूसरी आत्मा है जो जीव भाव पर प्राप्त होने के कारण स्वयं को सुखी मान रही है, वो हंस रही है। किंतु यह कब तक चलेगा? यदि हमारे जीव में यह बोध हो जाए कि सुख दुख तो सभी एक मन के द्वंद्व हैं, मेरी चेतना का स्वरूप कुछ और है, तो आवश्यक यह है कि जीव पहले शरीर भाव को छोड़े, आत्मा जीव भाव को छोड़े और अपनी परात्म की नजर के वास्तविक स्वरूप को समझे कि मेरी परात्म मूल मिलाव में विराजमान है और परात्म का स्वरूप राज्य का स्वरूप है। इसलिए तारतम ज्ञान का प्रकाश लेने के पश्चात हमें भावात्मक रूप से स्वयं को समझना होगा, ज्ञान दृष्टि से भी और प्रेम की दृष्टि से भी, कि हमें शरीर भाव को छोड़ना है, जीव भाव को छोड़ना है, आत्मा के भाव से आत्मा में परात्म का श्रृंगार लेकर जब मूल मिलाव में हमारी सुरता पहुंचती है तो अपनी परात्म के स्वरूप को देखती है, युगल स्वरूप को देखती है। यहाँ वही प्रसंग दिया गया है, जब खैचत भर कशिश तब मुतलक डारत मार। कशिश किसको कहते हैं? प्रेम की चाहना से जब हमारी परात्म के नेत्र
राज्य के नेत्रों की तरफ देखते हैं, लेकिन परात्मा के अंदर तो फरामोशी है। यहाँ प्रसंग क्या है, हमारी आत्मा जब परात्मा का श्रृंगार सजकर चित्वनी में पहुंचती है, जो मूल स्वरूप है अपने जाको कहिए परात्म, सो परात्म संग लेके बिलसिए संग खसम। यहाँ चित्वनी का प्रसंग दिया जा रहा है। परात्म संग लेकर का तात्पर्य क्या है, परात्म के श्रृंगार में भावित होकर जब हम चित्वनी में जाते हैं तो इस संसार के सभी तनों को हमें भुला देना होगा। हमारी उम्र कितनी है, हमारा रूप रंग क्या है, ये कुछ नहीं। आप स्वयं को केवल परात्म के श्रृंगार में डुबोइए कि हमारा रूप रंग हमारा स्वरूप तो वो है। आपने जीव के शरीर को अपना स्वरूप माना हुआ, यही तो सबसे बड़ा भ्रम है। संसार के लोग भी यही भ्रम को पालते रहते हैं। जवान अपने को जवान समझता है, बुढ़ा अपने को बुढ़ा समझता है, बालक अपने को बालक समझता है। उस बेचारे जीव को ये पता नहीं होता कि तू लाखों बार मरा है, लाखों बार जवान हुआ है, लाखों बार बूढ़ा हुआ है, लाखों बार तू बालक के रूप में खेला कूदा है। ये तो शरीर की अवस्थाएं हैं। जो तेरा निज चैतन्य जीव का स्वरूप है वह तो इंद्रियों से परे है। तू आंख नाक कान जीवा नहीं है, तू मन चित बुद्धि अहंकार नहीं है, तू पंचकोश नहीं है, तू तो इन सबसे परे एक चैतन्य जीव है। जिस तरह से रथ है, रथ पर रथी बैठा है और सारथी को लगाम पकड़कर चला रहा है। इंद्रियां क्या है, घोड़े हैं। इंद्रियों को नियंत्रण करने वाला कौन है, सारथी अंतःकरण। और किसको ले जा रहा है, रथ पर बैठा करके। रथ क्या है, शरीर है। रथी कौन है, आत्मानम रथनम वित्त। स्वयं को हमें रथी समझना चाहिए। जैसे बुद्धि की लगाम, यदि बुद्धि जैसी होगी हमारे मन के ऊपर ऐसा ही असर पड़ेगा, और इंद्रियां तो उसके अधीन है। संसार जब विषयों की तरफ देखता है तो विषयों की तरफ भागता है कि इनमें सुख है। शरीर के संबंधों में फंसता जाता है, माया का अंधकार ग्रसित होता जाता है। कोई लाखों में एक बिरला होता है जो शरीर के धरातल से स्वयं को परे मानता है। जब हम विषयों की तरफ भागते हैं, विषय शब्द स्पर्श रूप रसगंध के अंतर्गत ही आते हैं। पांच इंद्रियों के पांच विषय हैं। मन जब इसका सेवन करता है तो अपने को बहुत सुखी महसूस करता है, इसी को कहते हैं सुख, उसको अच्छा लगता है। लेकिन बाद में उसको ऐसा अनुभव करता है कि तृप्ति नहीं हुई, शांति नहीं हुई, क्योंकि विषय में तो शांति है नहीं। संसार के किसी भी पदार्थ में शांति नहीं है। शांति का सागर तो आत्मा के अंदर है, उसकी तरफ नजर नहीं जाती। जब दृष्टि संसार के विषयों में फंसी है तो अमृत तत्व से वंचित रह जाती है, परम तत्व से वंचित रह जाती है। यह जीव के साथ भी होता है और आत्मा के साथ भी होता है। आत्मा ने जीव के ऊपर बैठकर जीव भाव को प्राप्त कर लिया है स्वयं को। वो अपने को जीव से अलग नहीं कर पा रही है। तारतम वाणी का प्रकाश यही कहता है कि जब हमें तारतम वाणी मिल गई है तो हम स्वयं के तो स्वरूप को समझे। हम तो जो खेल देखने के लिए आए हैं, हम खेल नहीं है। तो मैया छल देखने भील गई, मैं छल छल को छल न लागी, वो लहरी वो जल। जो मोह सागर के जीव हैं वे तो शरीर भाव में प्राप्त हो गए हैं, किंतु मेरी आत्मा तू तो शरीर भाव और जीव भाव में प्राप्त हो गई। जीव भाव को प्राप्त कर तू जीवो जैसी ही प्रवृत्ति अपना ले रही है। तू इस शरीर को अपना शरीर मान रही है, जीव के सुख दुख को अपना सुख दुख मान रही है, यही तो बंधन है। जब हम परात्म के श्रृंगार में भावित होकर राज्य को देखेंगे और ये भावना करें कि हमारी परात्म राज्य के सम्मुख बैठकर राज्य के नेत्रों से प्रेम का रसपान कर रही है, तो उसमें क्या होगा, उसी अवस्था का यहाँ वर्णन किया गया है। जब खैचत भर कसीस तब मुतलक डारत मार,
जब राज्य के नेत्रों से हमारी दृष्टि मिलती है और राज्य के नेत्रों से निकलने वाला प्रेम का रस हमारी आत्मा को भर कसीस प्रेम की चाहना से अपनी तरफ खींचता है, तो निश्चित रूप से वो मार डालता है। मार डालने का तात्पर्य क्या है? बोलचाल में एक बात कही जाती है कि आपने मुझे मार डाला है। दो तरह से मारा जाता है, एक तो अस्त्र शस्त्र से या कटु वचन से। किसी के शरीर को नष्ट किया जाता है अस्त्र शस्त्रों से, कटु वचनों से हृदय को व्यथित किया जाता है, हृदय टुकड़े टुकड़े हो जाता है कि अब जीवित रहने से कोई फायदा नहीं है। और एक चीज और होती है, इसमें भी मार डालने का प्रयोग किया जाता है, जिसमें प्रेम का ऐसा रस आए कि हृदय अपना अस्तित्व बुला दे और वो समर्पित हो जाए, इसको कहते हैं कि मार डाला। अर्थात हमने अपने अस्तित्व को आपके प्रेम में समाप्त कर दिया। यह कथन कहा जाता है कि आपने तो मुझे अपने प्रेम से मार डाला। जैसे भर्तृहरि ने एक बात कही है कि हाथियों के मस्तक को तलवारों से काटना बहुत सरल है, बड़े बड़े वीर ऐसा कर लेते हैं, किंतु रमणी के नेत्रों से वे बड़े बड़े वीर हार जाते हैं। जो अपनी तीक्ष्ण तलवारों से हाथियों के मस्तक को काट सकते थे, वे किसी रमणी के नेत्रों के बाणों से अपनी रक्षा नहीं कर पाते। तात्पर्य क्या है? किसी रमणी के नेत्रों से निकलने वाले प्रेम के बाण उस वीर को इतना घायल कर देते हैं कि वो अपने शारीरिक बल को भूलकर उसके प्रेम के बंधन मोह बंधन में आबद्ध हो जाता है। यहां दर्शाई गई है जब राज्य के नेत्रों की तरफ हमारी दृष्टि जाएगी तो क्या होगा, हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, प्रेम में हम इतने डूब जाएंगे कि हम स्वयं को भूल जाएंगे। इस संसार में भी देखिए, जहां गहन प्रेम की अवस्था होती है, एक चकोर को देखिए, चंद्रमा की तरह एकटक देखता रहता है, वो भूला रहता है अपने को। ये तो पशु पक्षियों की बात है। जो भी भक्त जन हुए हैं, ऋषि मुनि हुए हैं, जिन्होंने अपने इष्ट का साक्षात्कार किया है, जब साक्षात्कार होता है तो प्रेम की वेसुधि में उन्हें अपने शरीर के अस्तित्व का भान नहीं रहता। इसको आलंकारिक भाषा में कहते हैं अब तो वो मर गए, यानी अपने शरीर का स्वयं का अस्तित्व भुला देना ही मरना कहलाता है। इन विद भेदत सब अंगों, राज्य के नेत्रों में प्रेम का अनंत सागर उमड़ रहा है। जो हृदय में अनंत प्रेम उमड़ रहा है वो नेत्रों से प्रकट होता है। तभी तो इंद्रावती जी की आत्मा कहती है कि दया सिंध सुख सागर इश्क गंज अपार, शराब पिलावत नयन सो साकी सिद्धार्थ। दया का सागर है, दया सिंध सुख सागर, वह दया का सागर है, सुख का सागर है, इश्क गंज अपार प्रेम का अनंत सागर। दया प्रेम और आनंद का अनंत सागर कौन है? प्रीतम अक्षरातीत का हृदय। शराब पिलावत नैन सो साकी सिरदार, साकी कौन है? पिलाने वाला। परमात्माओं का जो प्रीतम है वो अपने नेत्रों से प्रेम की शराब पिलाता है। ऐसी प्रेम की शराब का अर्थ होता है रस। हरिवंश राय बच्चन ने मधुशाला नाम का एक ग्रंथ ही लिखा है। मधुशाला का तात्पर्य क्या होता है? वैसे इसका बाह्य अर्थ होगा, मधुशाला का तात्पर्य होता है जहां शराब पी जाती है। वैदिक परंपरा में सोम का वर्णन आया है। बाह्य अर्थ करने वालों ने ये ले लिया कि सोम एक औषधियों का ऐसा रस है जिसके पीने से शरीर में शक्ति की वृद्धि होती है। ये तो आयुर्वेद के अनुसार। बामार्कियों ने अर्थ निकाला कि सोम को पीने से नशा होता है। उन्होंने सोम को एक ऐसा रस बताया जिसकी तुलना मद्य से की जाती है।
किंतु अध्यात्मवादियों का कहना है कि यह सोम कोई औषधियों का रस नहीं है, अपितु ब्रह्मानंद है। आत्मा का परमात्मा से मिलन के पश्चात जिस आनंद रस की अनुभूति होती है उसको सोम रस कहते हैं, और वह सोम रस केवल प्राप्त होता है समाधि में। इसी को तारतमवाणी की भाषा में शराब कहा गया है। शराब पिलावत नैन सो साकी ये सिद्धार्थ, अपने नेत्रों से जो प्रेम के रस का पान कराए उसी को कहते हैं शराब पिलाना। साकी पिलावे शराब, रूहे प्याले लीजिए, हक इश्क का आप भर भर प्याले पीजिए। पिलाने वाला क्या है? साकी पिलावे शराब, रूहे प्याले लीजिए। अक्षरातीत का हृदय जो प्रेम का रस पिला रहा है और अपने हृदय रूपी प्याले में उस रस को भरकर हमें लेना है। हक इश्क का आप रूहे भर भर प्याले पीजिए। अक्षरातीत कहते क्या है? प्रेम रस का सागर। परमधाम में तो अनादिकाल से लेते ही रहे। इस माया के संसार में भी प्रियतम अपने प्रेम का रस लेकर के आए हैं। भूल पहले से चल रही है और इस भूल का मूल कारण है समाज को चित्वनी और तारतम वाणी के चिंतन से रहित कर देना। यदि सुंदर सा चितवनी में डूबते तो संभवतः वाणी के रस की वास्तविक अनुभूति कर पाते, क्योंकि इल्म का प्राण तो इश्क है, बिना इश्क के इल्म कहाँ से आएगा। हम पाठ के रूप में चौपाइयाँ पढ़ सकते हैं, कंठस्थ कर सकते हैं, हजारों चौपाइयाँ कंठस्थ कर सकते हैं, किंतु जब तक हमारे हृदय में प्रेम का रस नहीं आएगा चौपाइयों के वास्तविक आशय कैसे पता चल सकते हैं। पहले से हमको कर्मकांड में डाल दिया गया है, कर्मकांड के अपने उत्तरदायित्व को पूरा करना ही हमने सब कुछ मान लिया, और इसी निराशा के भाव में एक भावना प्रचलित कर दी गई कि संसार में प्रीतम का दीदार हो ही नहीं सकता। केवल पांच चौपाई पढ़ लो, तारतम का पाठ कर लो, मेहर सागर का पाठ कर लो, ये तो ठीक है, किंतु जीवन के अंतिम सांस तक क्या यही चलता रहेगा? शराब पिलावत नैन सो साकी ये सिरदार, प्रियतम प्रेम का रस लेकर आए हैं। यदि प्रीतम आए हैं तो क्या अपना प्रेम छोड़कर आए हैं? यह अवश्य होता है। आप इसको एक दृष्टांत से समझिए। एक अध्यापक पूरे वर्ष अपने विद्यार्थियों को पुस्तक खोल करके पढ़ाता रहता है। विद्यार्थियों को भी अधिकार होता है कि पुस्तक में देख सकें, किंतु जब परीक्षा ली जाती है, परीक्षा के कक्ष में बैठना पड़ता है, तो जो अध्यापक अपने पढ़ाने के समय कक्षा में सारे विद्यार्थियों को किताब अपने पुस्तक को खोल करके पढ़ने की का निर्देश देता रहा है, परीक्षा में लिखते समय वह स्वीकृति नहीं देगा कि कोई अपने पुस्तक के पन्ने पलट करके उसमें नकल मार ले, क्योंकि वो परीक्षा की घड़ी है। ये जागनी ब्रह्मांड भी तो प्रेम की परीक्षा की घड़ी है। प्रेम का अवसर आपको मिलेगा, लाओ प्यार करो दीदार। प्रेम की जब परीक्षा हो रही है तो एक तरफ प्रेम का भाव दिखेगा, किंतु यदि आपने तारतम वाणी के प्रकाश में स्वयं को खड़ा कर लिया, अटूट विश्वास, अटूट समर्पण, अटूट श्रद्धा और अटूट प्रेम के द्वारा अपने हृदय मंदिर में उनकी शोभा को बसाने का प्रयास आप करने लगे, तो परिणाम क्या होगा? राज्य की शोभा जैसे जैसे आपके हृदय मंदिर में आती जाएगी, आपकी आत्मा भी जागृत हो जाएगी और राज्य का प्रेम भी आपके हृदय मंदिर में आने लगेगा। प्रेम है राज्य के हृदय में, जैसा परम धाम में प्रेम था वैसा ही प्रेम आज भी है, क्योंकि राज्य के अंदर कभी विकार नहीं आता, वो नाराज नहीं हो सकते। जितना परम धाम में हमसे प्रेम करते थे आज भी उतना ही करते हैं, हमको पता नहीं चलता। हम सोचते हैं कि प्रेम केवल परम धाम में है, राज्य वहां प्रेम करते हैं, यहां हम उसे प्रेम नहीं कर सकते। परम धाम में हर पल परात देखती रहती है,
इस संसार में भी अवसर मिल सकता है, लेकिन ये संसार की रचना ऐसी है कि कोई भी 24 घंटे या अपनी सारी उम्र उस भावना में रह नहीं सकता, क्योंकि एक कच्ची मिट्टी का तन है, छूट जाएगा। इसलिए 24 घंटे में कुछ घंटों के लिए वह अनुभूति प्राप्त होती है, उसमें जो आनंद होता है उस आनंद को भी झेल पाना इस शरीर के लिए संभव नहीं होता। तो लगातार किसी को अखंड रूप से परम धाम का दर्शन कराया जाए और राज्य के शोभा में डुबो दिया जाए तो शरीर कैसे झेल पाएगा। इसलिए इस संसार की जैसी मर्यादा है उसमें तो थोड़े समय के लिए भी यदि प्रीतम की अनुभूति हो जाती है, नक्श सिख तक की शोभा दिख जाती है, तो लगता है कि आत्मा में इतना प्रेम आनंद भर गया है तो कि वह संभाले नहीं संभलता। किंतु यह ध्यान रहे, राज्य हमें यहाँ प्रेम के लिए तड़पाने नहीं आए हैं। हाँ, उन्होंने परीक्षा के लिए एक अवसर दिया है हमें कि तारतम्य वाणी से हम उनकी पहचान करें, उनकी पहचान करके उनकी शोभा को अपनी आत्मा के धाम हृदय में बसाएं। यदि हम ऐसा करने लगते हैं तो जैसे परम धाम में राज्य के दीदार का जो सुख प्राप्त होता है वह सुख हमें यहाँ भी प्राप्त हो सकता है। यहाँ भी वादत का रस मिल सकता है, यहाँ भी खिलवत का रस मिल सकता है, क्योंकि अभी आपने कुछ दिन पहले ही चर्चा में सुना था, अर्ष वादत खिलवत खसम की, परम धाम की आत्माएं एक वादत की स्वरूपा, एकत्व स्वरूपा है। जो अक्षरातीत के हृदय में है वही उनके भी हृदय में है। खिलवत खसम की, वो प्रीतम की खिलवत है, उनका हृदय खिलवत है, क्योंकि उनके हृदय में प्रीतम रहते हैं। मिली मासुक माननी मोहल माए, ब्रह्मात्मा का हृदय ही प्रीतम का महल है, रंग महल ही हृदय है। हमारी आत्मा का हृदय ही तो प्रीतम का धाम है। और इस भावना से जब हम अपने प्राणेश्वर को हृदय में बसाते हैं तो क्या होगा, प्रीतम के हृदय में जो प्रेम का अटूट अखंड अनंत रस बह रहा है उसकी अनुभूति हमारी आत्मा के हृदय में भी आएगी। इनविद भेदत सब अंगों मूलतन मिटत विकार, मूलतन मिटत विकार का तात्पर्य क्या है? इस चर्चा के प्रारंभ में मैंने ये बात कही थी कि परात्म को तो केवल राज्य के प्रेम और आनंद में रहना चाहिए, किंतु परात्म की दृष्टि जब इस नश्वर जगत में आई है आत्मा के रूप में तो जीव की लीला को देखकर सुख और दुख का अनुभव कर रही है। ये विकार है। जिस तन में कोई परमधाम की आत्मा होती है उस तन से विकार होते हैं, स्वाभाविक है। जब तक वो नींद में होती है तब तक उसे भी क्रोध आ सकता है। क्रोध आएगा किसको? जीव को। लोभ हो सकता है, काम विकार सता सकता है, मोह हो सकता है, अहंकार हो सकता है, ये सब क्योंकि जीव के विकार हैं। और ये सृष्टि के प्रारंभ से ही ये विकार उसका पीछा कर रहे हैं। इन विकारों की उत्पत्ति कहाँ से होती है? पंचभूतों से, त्रिगुणात्मक जगत से। रज और तम के बंधन में फंसा हुआ जीव काम क्रोध मद लोभ अहंकार से ग्रसित नहीं होगा तो क्या होगा? गीता कहती है कामा ऐसा क्रोध है ऐसा रजोगुण समुद्र। काम और क्रोध रजोगुण से पैदा होते हैं, तमोगुण में उसका भयानक रूप दिखाई देता है। जब सत्वगुण की अवस्था होती है तब ज्ञान भक्ति विवेक आदि गुणों का प्रादुर्भाव होता है, अन्यथा रज और तम के बंधन में तो प्राणी इतने अंधकार में डूब जाते हैं कि उनको पता ही नहीं चलता कि मेरा निज स्वरूप है क्या। अब जीव ने सत्व रज तम के संसार में प्रवेश किया हुआ है, उसका शरीर उसकी इंद्रियां त्रिगुणात्मक प्रकृति से बनी है और प्रकृति से बने हुए प्रत्येक पदार्थ में विकार रहेगा ही, कम या अधिक। सत्वगुण जब बहुत अधिक प्रबलता में होता है तो हमारे हृदय में ज्ञान भक्ति विवेक वैराग्य आदि सद्गुणों का उद्भव होता है, किंतु जब रजोगुण होता है तो काम क्रोध मद लोभ हमें सताने लगते हैं, और जब तमोगुण होता है तो काम क्रोध मद लोभ अहंकार में हम इतने अंधे हो जाते हैं कि लगता है कि हम साक्षात काम क्रोध मद लोभ अहंकार की प्रतिमूर्ति हैं। सत्व रजतम के बिना सृष्टि बन नहीं सकती, क्योंकि सारी प्रकृति है त्रिगुणात्मक है। सत्व रजतम साम साम्य अवस्था प्रकृति, इतना अवश्य है कि किसी पदार्थ में सत्वगुण बहुत अधिक हो और रजोगुण और तमोगुण कम हो। ये हमारे मन की अलग अलग
अवस्थाएं होती हैं। कभी हम सतोगुणी भाव में होते हैं तो केवल भक्ति की बात आएगी, ज्ञान की बात आएगी। रजोगुणी भाव में आएंगे तो संसार के कामों की चिंता सवार रहेगी। तमोगुणी भाव में रहेंगे तो काम क्रोध मद लोभ में स्वयं को भूल जाएंगे। किंतु इनसे, इन तीनों से परे ही तो जीव का चैतन्य स्वरूप है। वो सत्वरतम से नहीं बना है जीव, वो तो चैतन्य स्वरूप है, जड़ प्रकृति के गुण है। चैतन्य आकर्षित हुआ जड़ प्रकृति के सुखों की तरफ, विषयों की तरफ। परिणाम यह हुआ कि उसमें विकार पैदा हुए, काम क्रोध मद लोभ अहंकार। आत्मा जीव के ऊपर बैठकर जीव भाव को प्राप्त हो गई, क्योंकि इस माया के ब्रह्मांड में आने पर वह स्वयं को भूल गई कि मैं आत्मा हूं। जीव अंतःकरण की लीला को देखकर, अंतःकरण इंद्रियों के माध्यम से जो विषयों का रसपान करके आनंदित हो रहा है, जीव की चेतना से ही अंतःकरण इंद्रियों में चेतना है, शरीर में चेतना है। किंतु जीव आश्रित हुआ अंतःकरण पर, आत्मा आश्रित हुई जीव पर, और परात्म स्वयं को आत्मा के रूप में देख रही है। परिणाम क्या हो रहा है? यहां कोई व्यक्ति जैसे सकुमार और सकुंडल राजघराने में है तो उनकी परात्म हंस रही है, क्योंकि मैं राजा हूं। सकुंडल की परात्म देख रही है कि मैं तो महाराजा छत्रसाल हूं। सकुमार की परात्म देख रही है कि मैं दिल्ली का बादशाह औरंगजेब हूं। सत्य क्या है? छत्रसाल जी का जीव महाराज है, औरंगजेब का जीव बादशाह है, आत्मा नहीं। सकुंडल और सकुमार का राजा होने से या बादशाह होने से कोई लेना देना नहीं। किंतु ये दोनों आत्माएं जब तक अपने स्वरूप को भूली हुई हैं, तब तक ये मान स्वयं को राजा और बादशाह मान रही है। परात्म को यह समझना कि मैं राजा हूं या बादशाह हूं, यह विकार है। परात्म को यह समझना कि मैं धाराभाई हूं और मुझे निष्कासित कर दिया गया है समाज से, यह भी एक विकार है। रतन भाई की आत्मा जो बिहारी जी के अंदर है, वह यह सोचे बैठी है कि मैं धाम धनी हूं और मीराज को मैंने परमधाम से निकाल दिया है, यह भी एक प्रकार का विकार है। विकार कहां से पैदा हो रहा है? जीव के द्वारा। जीव के अंदर विकार कहां से आ रहा है? विषयों की तरफ आकर्षित होने से और अज्ञानता के अंधकार के प्रवेश करने से। किंतु ऐसी भी स्थिति आ जाए जब आत्मा परात्म का श्रृंगार सजे और उस श्रृंगार में इतनी डूब जाए कि शरीर भाव तो पहले ही छूट गया था, जीव भाव भी उसका छूट गया। जितने जीव के द्वंद्व हैं, सुख दुख लाभ हानि मान अपमान, सभी बंधनों से परे हो गया। चितवनी में जब हमारी सुरता शरीर भाव को छोड़ देगी, जीव भाव को छोड़ देगी, केवल परात्म का भाव लेकर राज्य के सम्मुख होगी, तो परिणाम क्या होगा? राज्य के दीदार होंगे। और दर्शन के समय जब राज्य के नेत्रों की तरफ दृष्टि जाती है तो क्या होगा? उसी प्रसंग का वर्णन इस चौपाई में किया गया है। जब खैचत भर कसीस तब मुतलक डारत मार, इनविद भेदत सब अंगों मूलतन मिटत विकार। क्या कह रहे हैं स्वयं अक्षर अतीत? कि जब हमारी आत्मा मूल मिलाव में पहुंचेगी, दृष्टि से आत्मा की दृष्टि जैसे परात्म की दृष्टि इस खेल में आई है, तो स्वयं को आत्मा के रूप में देख रही है। उसी तरह से चितवनी में आत्मा परात्म का श्रृंगार सज कर ही जाती है। आप सोचेंगे कैसे होगा? क्या आत्मा परमधाम नहीं जाती है? यह ध्यान रखिए कि पौड़े वेले जागसी वेले, साथ आए हैं साथ जाएंगे। जैसे हम किसी बाग में जाकर आम को देखने लगे, किसी वृक्ष पर लटके हुए आम के फल को देखने लगे, तो क्या हम आम के फल के पास पहुंच जाते हैं? हमारी दृष्टि पहुंच जाती है और हम क्या कहते हैं कि हमने आम को देख लिया। हाँ, दृष्टि से अलंकारिक रूप से पहुंच जाते हैं। जैसे
कई बार मैंने इस दृष्टांत को दिया है, हम अपने कक्ष में बैठकर मैच देख रहे हो क्रिकेट का या किसी भी खेल का, मान लीजिए वह खेल लंदन में हो रहा हो, हम बैठे हैं भारत में, हमारी दृष्टि पर्दे पर बैठे बैठे वहाँ खेल को तो देख रही है, हम इतने डूब गए हैं, तो कोई आता है कहते हैं कि कहाँ पहुँच गए हो, तब आपका ध्यान टूटता है। आप शरीर से अपने कक्ष में हैं, आपकी आंखें भी वही हैं, किंतु दृष्टि तो पहुँच गई, साक्षात नहीं पहुँची, पर्दे के माध्यम से पहुँची। पर्दे के माध्यम से परात्म की दृष्टि इस खेल में आत्मा के रूप में आई है, किंतु अब हमें चितवनी के माध्यम से हमें अपनी दृष्टि में परम धाम के परात्म की भावना भरनी है। ज्ञान दृष्टि से पहले हमने समझा कि हम आत्मा नहीं, हमारी आत्मा परात्म की स्वरूप है, इसलिए हम परात्म का श्रृंगार सजते हैं। चितवनी में जब जीव भाव को, शरीर भाव को छोड़ देते हैं, संसार से परे हो जाते हैं, तो हमारी दृष्टि ही परमधाम पहुंचती है परात्म का श्रृंगार लेकर, क्योंकि परात्म की दृष्टि इस संसार में आई है आत्मा के रूप में परात्म का श्रृंगार लेकर। अब हमारी आत्मा की दृष्टि परात्म का श्रृंगार लेकर के परम धाम पहुंचेगी, यह है चितवनी की प्रक्रिया। आप सोचेंगे कैसे संभव है, आप जब निद्रा में होते हैं तो आप कई प्रकार के दृश्य देखते हैं जिसको आप स्वप्न कहते हैं। स्वप्न में आपका रूप रंग सब कुछ वैसे ही होता है जो साक्षात में होता है, आपके बोलने का ढंग भी सब कुछ वैसे ही होता है। तो आप सोचिए, आपकी आंखें तो बंद होती हैं, किंतु मन की तरंगों ने ही आपका रूप धारण कर लिया होता है, आपका नख से सिक तक श्रृंगार वैसा ही दिखता है, वैसा ही सब कुछ होता है, बोल चाल भी वैसे ही होती है। उसी तरह से जब आप चितवनी में परात्म का श्रृंगार सच करके जाएंगे तो आपको लगेगा कि सचमुच में परात्म हूँ। इसको कल्पना के दरअदल पर नहीं सोच सकते, ये कल्पना नहीं है, यथार्थता है। जिन्होंने आध्यात्मिक मनोविज्ञान को समझा है, अध्यात्म के तत्वों को समझा है, उनको विदित होगा कि किस प्रकार से मन अपने ज्ञान तंतुओं द्वारा स्वप्न का निर्माण करता है। चित्त में जो संस्कार बसे होते हैं वो निद्रा में मन के पर्दे पर दिखने लगते हैं, और उन संस्कारों में ही यथार्थता न होते हुए भी यथार्थता का आभास होता है। यदि एक स्वप्निक मन चित्त में ये क्षमता है जो पूर्व जन्मों के दृश्यों को दिखा सकते हैं, भविष्य के दृश्यों को दिखा सकते हैं, वर्तमान के भी जो भी अनुभूत दृश्य होते हैं उनको स्वप्न में अनुभव करा सकते हैं, तो आप सोचिए परात्म की जो दृष्टि है इस खेल में आत्मा के रूप में आई है। तारतम वाणी के प्रकाश में जब आत्मा की वह दृष्टि परमधाम परात्म के श्रृंगार में पहुंचेगी तो प्रीतम को क्यों नहीं देखेगी। आत्मा जब जीव पर बैठी है तो जीव से बाहर निकल कर नहीं जाती, आत्मा की दृष्टि जाती है, क्योंकि चितवनी हम यहाँ कर रहे होते हैं, और जब चितवनी में हमारी आत्मा शरीर से परे हो जाएगी, संसार से परे हो जाएगी, जीव भाव से परे हो जाएगी, परात्म के भाव में डूब जाएगी, तो उसको सारा अनुभव होगा कि मैं सचमुच परात्मा हूँ। और जब राज जी से दृष्टि मिलती है, जब खैचित भर के शीश तो मुतलक डारत मार, जब प्रीतम अपने प्रेम की दृष्टि उस परात्म के नेत्रों में डालते हैं तो उसे मार डालते हैं, मार डालते हैं तात्पर्य अपने हृदय में डुबो लेते हैं, उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है, और राज जी का प्रेम उसके अंग अंग में इनविद भेदत सब अंगों, राज जी का प्रेम उसके अंग अंग में ओतप्रोत हो जाता है, परिणाम मूलतन मिटत विकार। अब तक आत्मा जीव पर बैठकर आत्मिक रूप से जीव पर बैठकर जीव भाव को प्राप्त होकर संसार के सुख दुख को देख रही थी, परात्म उसका अनुभव कर रही थी, लेकिन अब परात्म परम धाम
में भले ही उसके मूल तन पर फरामोशी हो, आत्मा ने तो परात्म का सिंगार सजा हुआ है, और परात्म भले ही इसके पहले हंस रही थी, रो रही थी, संसार के विषयों को देख रही थी, अब वो बंद हो जाता है। अब वो किसको देख रही है? मूल तन को। जैसे ये तो सत्य है, परात्म के तन में काम क्रोध मद लोभ आदि का प्रवेश नहीं हो सकता, किंतु उसका अनुभव तो होता है। अभी मैंने दृष्टांत दिया है, किसी पिक्चर में जब किसी को चाकू मारा जाता है तो पर्दे पर भी वो दृश्य तो काल्पनिक ही होता है, उसके चित्र होते हैं। उन चित्रों में ध्वनि होती है जिसको हम यथार्थ समझ लेते हैं, और उस स्वप्निक चित्र को भी देखकर हमारा हृदय करुणा से डूब जाता है, हम भी रोने लगते हैं, आंसू बहाने लगते हैं। वैसे ही स्वप्नमयी जगत की लीलाओं को देखकर परात्म उस भाव में भावित हो जाती है। जैसे पिक्चर के दृश्य में लगा हुआ चाकू हमको नहीं लगता, हम उस भाव में डूब जाते हैं, उसी तरह से आत्मा जीव भाव को प्राप्त होकर जिन सुखों का, दुखों का, विकारों को देख रही है, भोग रहा है, कर्ता भोक्ता सब जीव है, अंतकरण के माध्यम से विषय विकारों का भोगने वाला जीव है। आत्मा जीव भाव को प्राप्त होकर के उसको अपना समझने लगी है, और परात्म देख रही है कि ये क्या हो रहा है, क्या संसार में ऐसे ही होता है। इसको कहते हैं विकार। जैसे शाकुंडल और शाकुमार ने स्वयं को राजघराने में पाया, बिहारी जी ने अजंता की एक ऐसी चादर ओढ़ ली थी जिसमें स्वयं को कुछ का कुछ मानने लगे हैं, परमधाम की वादत से भी इंद्रावती की आत्मा को बाहर निकालने का दावा करने लगे थे, और धाराभाई दर दर भटकते हैं, उनके अंदर भी तो परमधाम की आत्मा है, लेकिन नींद का आवरण होने से धाराभाई की आत्मा ये सोच रही है कि मुझको निष्कासित कर दिया गया है। वो बिहारी जी के चरणों में जाकर के झुकते हैं धाराभाई कि बिहारी जी महाराज अपने चरणों में रखिए, मुझको परमधाम से ना निकालिए। धाराभाई के अंदर जो परमधाम की आत्मा है उसको निष्कासित करने का अधिकार बिहारी जी को भी नहीं है, और तो और स्वयं श्री राज जी को भी नहीं है, किंतु संसार के भाव में भावित होने के कारण बिहारी जी भी सोचते हैं कि मैं इनको परमधाम से निकाल दूंगा, समाज से निष्कासित कर दूंगा। धाराभाई भी यही सोचे बैठे हैं कि बिहारी जी महाराज की कृपा नहीं रहेगी तो हम क्या करेंगे। किंतु यदि तारतम वाणी के प्रकाश में हम अपनी आत्मा के स्वरूप को जानते हैं, परात्मा के स्वरूप को जानते हैं, और चितवनी में विराजमान होकर राज्य के नेत्रों की तरफ देखते हैं, तो राज्य के हृदय से उमड़ने वाला प्रेम इस संसार में इनविद भेदत सब अंगों, हमारी आत्मा ने परात्म का श्रृंगार सजा है तो आत्मा के हृदय में परमधाम के प्रेम की अनुभूति होगी। हमारा परात्म तो जैसा है वैसा ही होगा, उस समय आत्मा का तन वैसे आत्मा का स्वरूप यहां रहेगा, किंतु आत्मा की दृष्टि ने परात्म का तन धारण कर लिया होगा संकल्पिक रूप से। आप सोचेंगे कि क्या तीन हो जाएंगे? तीन नहीं होंगे, हैं तो एक ही रहेंगे। आप सोचिए, एक दर्पण में हमारा एक प्रतिबिंब दिखता है, किंतु उसके कोणों में कई परिवर्तन कर दिया जाए, जैसे किसी ज्वेलरी की दुकान में ऐसी दर्पणों की सजावट कर दी जाती है, एक ही व्यक्ति के कई प्रतिबिंब दिखते हैं। व्यक्ति तो एक होता है, प्रतिबिंब कई दिखते हैं। अब प्रश्न यह है, बिंब और प्रतिबिंब में क्या अंतर है? प्रतिबिंब बिंब की आकृति का होता है, वैसे ही होता है। सिफत ऐसी कई मोमिन की जाके अक्स का दिल अर्स, हमारी आत्मा के परात्म का प्रतिबिंब है, क्योंकि परात्म की दृष्टि आई है आत्मा के रूप में परात्म का श्रृंगार सजकर। अब तारतम वाणी के प्रकाश में हमारी आत्मा परात्म का श्रृंगार सजेगी भावात्मक रूप से, तो क्या होगा?
वह अपने को परात्म के रूप में मान रही है। आत्मा ही जब परात्म की प्रतिबिंब स्वरूप है तो आत्मा का भी स्वरूप परात्म जैसा ही है। अब इसकी दृष्टि जाएगी तो परात्म का ही तो प्रतिबिंब लेकर के जाएगी। जब तक नींद में है तब तक जीव भाव में अपने को डाल चुकी है, शरीर भाव में डाल चुकी है, ज्ञान के प्रकाश से, प्रेम की विरह प्रेम की रसधारा से वह अपने को परात्म मान रही है, तो परात्म का ही श्रृंगार वहां जाएगा। वैसे यह भावात्मक होगा, किंतु आत्मा का श्रृंगार जो परात्म का श्रृंगार लेकर के यहां विराजमान है, इसमें परात्म के श्रृंगार में और चितवनी में हमारी आत्मा जो परात्म का श्रृंगार लेकर के जाएगी, तीनों में कोई अंतर नहीं रहेगा। आप सोचिए, मूल मिलाव में तो सभी सखियां बैठी हैं, हौज कौसर का, मानिक पाड़ का, पुखराज का दृश्य कैसे दिख रहा है? यहाँ के परमहंसों ने, परमधाम की आत्माओं ने चितवनी में बैठकर परमधाम के 25 पक्षों को देखा। युगलदास जी, परमहंस महाराज जी, रामरतन दास जी, गोपाल मणि जी, जितने जितने परमहंस हुए सबने अपनी दृष्टि को परमधाम में किया, परात्म के श्रृंगार में परमधाम के 25 पक्ष को देखा। मूल मिलावे में जो परात्म के तन है उनकी स्थिति तो ऐसी है कि राज्य के नेत्रों से नेत्र मिले हुए हैं लेकिन नेत्र दिख नहीं रहे, सामने है लेकिन बोल नहीं सकती। खिलवत के प्रारंभिक प्रकरण में ये बात दर्शाई गई है कि मैं आपके सामने बैठी हूँ लेकिन देख नहीं पा रही हूँ, मेरी नजरों में तो संसार दिख रहा है। ये अवस्था है निद्रा की। किंतु चितवनी एक ऐसी प्रक्रिया है जो धामधनी ने अपने हृदय का रस इस संसार में देने के लिए हमें वो दिया है। इस चितवनी में डूबकर हम परम धाम के सुखों का रस स्वादन कर सकते हैं। अंतस्करण आत्म के जब ही रहे समाय, तब आत्म पर आत्म के रहे न कुछ अंतर आए। आत्मा के अंतकरण में जब राज्य की शोभा बस जाती है तो परात्म में और आत्मा में कोई भेद नहीं रह जाता। इस माया के संसार में अवतरित होने से पहले हमारी परात्म राज्य के जिन सुखों का रसपान कर रही थी, चितवनी के माध्यम से हम इस संसार में भी उस सुखों का, उन सुखों का रस स्वादन हम कर सकते हैं। इस प्रकरण में हमारी आत्मा को जागने के लिए बहुत कुछ कह दिया गया है कि किस तरह से हम स्वयं को परात्म के भाव में भावित करें, अपनी आत्मा के स्वरूप को समझें कि हमारी आत्मा परात्म की स्वरूपा है और परात्म के श्रृंगार में ही हमारी आत्मा को परम धाम पहुंचना है, और जो हम सुख लेंगे उस सुख को हमारी आत्मा देखेगी। यदि हम स्वप्न का मनोविज्ञान समझ लें, ध्यान का तत्व ज्ञान प्राप्त कर लें कि ध्यान में किस तरह से मन चित बुद्धि अहंकार अपने मूल रूप में विलीन हो जाते हैं। यदा पंच अवतिष्ठन्ति ज्ञानानि मनसा सह बुद्धि न विशेषते आहुतम परमाम गति। परम गति क्या है? उपनिषदों के ऋषियों ने लिखा, यदा पंच अवतिष्ठन्ति ज्ञानानि मनसा सह, जब इंद्रिया, पांचों इंद्रिया मन के साथ विलीन हो जाती है, बुद्धि न विशिष्टे और बुद्धि भी कोई क्रिया नहीं करती, वह परम गति है। कहने का भाव क्या है? मन बुद्धि चित अहंकार इंद्रियां सभी अपने कारण में लय को जब प्राप्त हो जाते हैं तो जीव अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित हो जाता है। यही सिद्धांत हमारे साथ भी घटित होता है कि हमारी आत्मा परात्म का श्रृंगार सजकर चितवनी में परम धाम पहुंचे, युगल स्वरूप को अपने हृदय मंदिर में बसाए, प्रत्यक्ष उनके नेत्रों के से अपने नेत्र की दृष्टि मिलाए, तो राज्य के नेत्रों के माध्यम से जो प्रेम का रस आएगा वह हमारी आत्मा के हृदय में आ जाएगा। परिणाम क्या होगा? उसकी सुगंध जीव के भी हृदय को मिलेगी और जीव काम क्रोध मद लोभ अहंकार से रहित होना शुरू रहित हो जाएगा। इसके पहले हमारी आत्मा जीव के ऊपर बैठकर जीव के सुख दुख की लीला को जो देख रही थी वो प्रक्रिया भी बंद हो जाएगी। अब आत्मा अपने प्राणेश्वर के नख से सिक तक की शोभा को देख रही है। तो जो परात्म जीव के
आधार को लेकर संसार के विकारों को देख रही थी, अब वो प्रक्रिया बंद हो जाती है, परमधाम का दृश्य दिखने लगता है। इसको कहते हैं मूलतन मिटत विकार। देखा जाए तो धामधनी ने हमारे लिए कितना धन दिया है, तारतम का धन, जिसमें ये सब कुछ बता दिया गया है कि भले ही तुम माया में गई हो किंतु मैं हर पल तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे प्राण की नली से निकट हूं, सहारक से भी निकट हूं, किंतु तुमको मैं दिखाई नहीं पड़ रहा हूं। तुम चितवनी का आधार लो, अपनी परात्म का श्रृंगार सजो और प्रत्यक्ष अपनी अंतर्दृष्टि से मुझे देखो, मेरे सामने आ जाओ। मैं परम धाम के जिन सुखों का रसमान तुमको कराता रहा हूं, वह माया के संसार में भी तुमको मैं कराऊंगा, वहां की मर्यादा के अनुकूल। किंतु हम सुंदर साथ हैं जो नींद में स्वयं को भूले बैठे, हम नहीं जानते कि वास्तव में हम हैं क्या। हमें शिक्षा ही ऐसी दी गई है कि देवी देवताओं की तरह हमने भी राज्य को मान लिया है, कर्मकांडों से हम ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं, चितुनी में डूब नहीं पा रहे हैं, परिणाम क्या हो रहा है? हम संसार के भक्तों की तरह, दासों की तरह बिलख रहे हैं, मन्नतें मांग रहे हैं, पाठ पूजा कर रहे हैं और राज्य को एक देवता बनाकर सारा ध्यान खिलाने पिलाने में लग गए हैं। खाना दीदार इनका, यासु जीवेले में श्वास, दोस्ती इन स्वरूप की तिन से मीठत प्यास। हमारा खाना पीना तो राज्य का दीदार है और उसके बिना हमारा जीवन नहीं। यदि हम इस सत्य को समझ जाएं तो शायद हमारा जीवन धन धन हो जाएगा। राज्य ने हमें कितना बड़ा सौभाग्य दिया है जो ब्रज में नहीं मिला था, रास में भी नहीं मिला था, देवचंद जी के तन से कुछ मिला था, पूर्ण नहीं मिला। अब सागर श्रृंगार खिलवत परिक्रमा की वाणी का अवतरण हो चुका है, 300 वर्ष व्यतीत हो गए। सुंदर सा चितवनी की राह पर चलकर अपनी आत्मा को जागने का सुख क्यों नहीं देता? क्यों नहीं समझता कि हम असहाय नहीं हैं? हम अपने को दीनहीन समझे बैठे हैं, अपने नाम के आगे दास की उपाधि लगाकर वैष्णव जैसे हम कर्मकांडी बन चुके हैं। हम ये नहीं सोचते कि हम अक्षरातीत जो हमारे प्राणेश्वर हैं, हृदयेश्वर हैं, हम भी उनकी प्राणेश्वरी हैं, हृदयेश्वरी हैं। हमारे मूल तन माया के दृश्यों को न देखें अपितु केवल उनके श्रृंगार में सचकर हमारी आत्मा युगल स्वरूप को देखें, तो ऐसा लगेगा इतने बैठे घर जागे धाम, पूरी मनोरथ हुए सबका, यही बैठे बैठे हमें जागृति का सुख मिले, परम धाम के सुख का रस स्वादन मिले, इसी को तो हैं कहते हैं जाग निरास। किंतु आज तो सुंदर साथ इस सुख का रसपान कराने वाले अक्षरातीत के स्वरूप श्री प्राणनाथ जी को ही समझना नहीं चाहता और समझ कर भी अनजान बना रहता है। आवश्यकता यह है कि इस जागनी ब्रह्मांड में अक्षरातीत के स्वरूप प्राणनाथ जी को हम जाने, स्वयं को जाने, तारतम वाणी के प्रकाश में अपनी परात्म का श्रृंगार सजकर हम परम धाम के सुखों का रसपान करें। इसी में हमारे जीवन की सार्थकता है।